नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये है फिफ्थ लेक्चर क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें हम लोग एग्जांपल करेंगे नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन सीनियरिटी टेबल। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जांपल या नेमिंग कराई थी हाइड्रोकार्बन की, जो कि बेस्ड थी सीनियरिटी टेबल पे। तो अगर आप अपने चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि आप लोग लेटेस्ट वीडियो से नोटिफाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है सीनियरिटी टेबल पे बेस्ड। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं कराऊंगा। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है CCH2 सी डबल बॉन्ड ONH2। अगर आप लोग को सीनियरिटी टेबल यूज करना नहीं आती है तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग सीनियरिटी टेबल को देखेंगे, वरना जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप नियर पड़ेगा, नजदीक पड़ेगा, उस तरफ से काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, CONH2, और CONH2 होता है अमाइड। तो कितने कार्बन है सबसे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। तो रूट वर्ड हो जाएगा PENT पेन। 3 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां पे हो जाएगा YN। और फर्स्ट पोजीशन पे लगा है अमाइड, तो सफिक्स में क्या लगेगा, अमाइड, तो 1 AMIDE, पेन 3 YN, 1 अमाइड। अब ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन है तो पेन। थर्ड कार्बन पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड यानी YN, और फर्स्ट कार्बन पे था हमारा फंक्शनल ग्रुप जिसका सफिक्स था अमाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेन 3I1 अमाइड। ठीक, अब नंबर और अल्फाबेट के बीच में हम लोग क्या देंगे, डैश देंगे। नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा डैश होगा। तो यहां नंबर था अल्फाबेट डैश, 3 और Y के बीच में डैश, N और 1 के बीच में डैश, और 1 और A के बीच में डैश। तो नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या होता है, डैश होता है। और मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पे होता 1, 1, 2 ट्राई मिथाइल। ठीक, तो नंबर नंबर के बीच में होता है कॉमा, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में होता है डैश। तो नंबर और नंबर के बीच में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉमा। नंबर नंबर के बीच में कॉमा करेंगे, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में इस्तेमाल करते हैं हम लोग डैश। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल था। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, बगल में सीनियरिटी टेबल है हम लोग के पास, तो उसको हम लोग रिफर करेंगे। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन है हम लोग के पास CH3CH, ऊपर लगा है थाय और SH, फिर है CH2, फिर है कार्बन, ऊपर है मिथाइल CH3, नीचे है इथाइल C2H5, और यहां पे है C डबल बॉन्ड OH। अब हम लोग को देखना है जहां पे कितने फंक्शनल ग्रुप है। यहां पे हमको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, COOH, जो कि है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा है SH, जो कि है हमारा थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल सफिक्स में लगता है थायोल, और प्रीफिक्स में लगता है मेराकेप्टो, MERA, मेराकेप्टो। और COOH में क्या लगता है सफिक्स में, ओइक एसिड। अब काउंटिंग किस तरफ से होगी, इस तरफ से होगी कि इस तरफ से होगी, तो जो फंक्शनल ग्रुप सीनियर है उस तरफ से काउंटिंग होगी। सीनियर यानी कि जो सीनियरिटी टेबल में ऊपर है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियरिटी टेबल में ऊपर है तो वो सीनियर है, तो काउंटिंग COOH की तरफ से होगी। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। एल्केल ग्रुप हमेशा से प्रीफिक्स में लगता है, तो ये है हम लोग के पास मिथाइल, METHYL, और ये है हम लोग के पास इथाइल, ETHYL। ठीक, अब सफिक्स में कौन लगेगा, जो सीनियर है यानी कि जो ऊपर है, तो COOH क्या है, ऊपर है,
SH नीचे है तो सफिक्स में क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ओएक एसिड, और SH क्या लगेगा, प्रीफिक्स में। जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो अब सफिक्स में लगेगा, प्रीफिक्स में लगेंगे। देख लीजिए, जो सीनियर होगा सबसे ज्यादा सीनियर वो लगेगा नाम के आखिरी में सफिक्स में, और उसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो कहां लगेंगे, प्रीफिक्स में लगेंगे। तो जब COH सीनियर था तो ये सफिक्स में लगेगा, अब जितने भी फंक्शनल ग्रुप है यानी कि थायो अल्कोहल वो कहां लगेगा, प्रीफिक्स में, और थायो अल्कोहल को प्रीफिक्स में बोलते हैं मेराकेप्टो। तो सबसे पहले कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 पांच है तो पी ई एन टी, सिंगल बॉन्ड है तो ए एन। अब फर्स्ट कार्बन पे है 1 ओएक एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, मेरा कैप्टो बोलते हैं, एम ई आर सी ए पी टी, मेरा कैप्टो, ठीक है। अब मेरा कैप्टो एम ई आर ए, ठीक है, यह मेरा कैप्टो। अब पहले कौन लगेगा, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, तो ए बी सी डी ई, तो सबसे पहले हम लोग इथाइल लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, उसके बाद क्या है, ए बी सी डी ई, सेकेंड वाला देखिए दोनों ई है, दोनों ई है। अब यहाँ पे है आर, यहाँ पे है टी, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर पहले आता है, तो पहले लिखेंगे मेराकेप्टो आर एस टी, और उसके बाद लिखेंगे मिथाइल, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेकेंड कार्बन पे है इथाइल, तो यहां लिख देंगे 2-ETHYL इथाइल, है लिखेंगे 4 पे है मेराकेप्टो -4-MERACAPTO, फिर लिखेंगे सेकेंड पे है मिथाइल, तो यहां पे लिखेंगे 2-methyl। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे, यहां पे बी एम था, यहां पे बी एम था, यहां पे ई था, यहां पे ई था, तो दो अल्फाबेट मैच करके, इसके बाद यहां पे आर था, यहां पे टी था, तो पहले आर आता है तो पहले मेरा कैप्टो लिखेंगे, उसके बाद टी आता है तो मिथाइल लिखेंगे, तो 2-ethyl 2-ethyl, 4-meracapto 4-meracapto, 2-methyl 2-methyl, पेंट 1 2 3 4 5 पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और वन पे था ओएक एसिड, तो इसका नाम हो गया 2-methyl 4-meracapto 2-methyl pentane 1 ओएक एसिड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया, तो नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग के पास, देखते हैं यहाँ पे दिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C CH3 C2H5 CH2, यहाँ पे कार्बन है और नीचे भी क्या है, कार्बन, यहाँ पे एच, यहाँ पे सी एच थ्री, यहाँ पे सी सी एच थ्री, और यहाँ पे एच, और नीचे है सी एच थ्री, यहाँ पे लगा हुआ है सी एच थ्री, और यहाँ पे है सी एच टू सी एच थ्री, ठीक है। अब बताते हैं काउंटिंग किस तरफ से होगी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड इधर है, तो जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड नियर होगा उस तरफ से काउंटिंग होगी, तो काउंटिंग किस तरफ से होगी, इस तरफ से, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन एज्यूम करनी है, तो इधर जाएंगे 7 और ऊपर जाएंगे तो 8 9 और नीचे जाएंगे तो 6 7 8 9, तो यहां पर मिला 7 8 और 9 और ऊपर जाते तो 6 7 8, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन एज्यूम करते हैं, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर जाते तो 7 8 और इस तरफ जाते तो 7। अगली बात समझ में, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हम लोग ने एज्यूम करी। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ये ब्रेक्सकॉयल में है इथाइल, ये क्या हुआ इथाइल, स्क्वायर ब्रैकेट में है
इथाइल। अब मिथाइल कहां कहां पे है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ठीक। 1, 2, 3, 4 और ये तो नाइन्थ कार्बन आइटम, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ कार्बन है, तो नौ कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एन ओ एन, ठीक है। सेकेंड पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 2YNEI। अब पहले क्या है हम लोग के पास, फोर्थ 4, 6 4, 6 पे हम लोग के पास है इथाइल ETHYL और 4, 6, 7, 8 तो 4, 6, 7, 8 पे क्या है, मिथाइल है METHYL। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे, पहले क्या आता है, ई आता है तो ए बी सी डी ई एफ आई जे के एल एम, तो पहले ई आता है तो ई लिखेंगे यानी कि इथाइल, तो क्या लिखेंगे 4, 6 कितनी बार है, 2 times तो यहां लिखेंगे डी आई ई टी एच वाई एल डाई, क्योंकि क्या है 1 और 2 कोई बार दो चीज होती है, अगर कोई चीज 1 time प्रेजेंट है तो उसको मोनो बोलते हैं, अगर कोई 2 times प्रेजेंट है तो उसको डाई बोलते हैं, 3 times प्रेजेंट है तो ट्राई, 4 times है तो टेट्रा, और अगर 5 times है तो पेंटा। अब सेम हो जाएगा 6 है तो हेक्सा, ठीक। तो ये कितनी बार इथाइल प्रेजेंट है, 2 times प्रेजेंट है तो डाई इथाइल। फिर इसके बाद इसको मेंशन करेंगे यानी कि 4 यहां पे क्या होगा डैश, फिर कॉमा 6, 7, 8 ठीक है, 4, 6, 8 कितनी बार हो गए, 1, 2, 3, 4 4 times है तो टेट्रा, 4 times है तो टेट्रा TETRA, क्या 4 बार है मिथाइल, तो METHYL और फिर क्या हो जाएगा, 9 carbon है तो NON non 2I, तो ये हमारा क्या हो गया इसका IUPAC name। 4 पे है इथाइल, 6 पे है इथाइल, कितनी बार है 2 times तो 4, 6 डाइथाइल, 4 पे है मिथाइल, 6 पे है इथाइल, 7 पे है इथाइल, 8 पे है इथाइल, तो 4, 6, 7, 8 4 बार है तो टेट्रा, टेट्रा क्या है 4 बार मिथाइल नॉन 2I, ठीक है। नंबर के बीच में क्या होता है, कॉमा होता है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या होता है, डैश होता है, ठीक, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश होता है, ठीक। तो ये हमारा हो गया 4, 6 डाइमिथाइल, 4, 6, 7, 8 टेट्रा मिथाइल नॉन 2I, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी, अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरे पिछले दो वीडियो को एक जिसमें मैंने सीनियोरिटी टेबल बताई है, दूसरा जिसमें मैंने पहले क्वेश्चन कराए हुए कुछ एग्जाम्पल इजी, तो इसको देख लेंगे तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आने वाली है, वरना आप इसको भी देखते रहे, आगे चलते चलते आपको वीडियो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग के पास है एक और कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे है C2H5 ट्रिपल बॉन्ड CH2, ट्रिपल बॉन्ड CH, C2H5, CH3 लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को एज्यूम करना होता है, जो कि सबसे ज्यादा लंबी चेन होगी उसको एज्यूम करते हैं। तो अगर हम लोग यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 carbon है, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2 carbon है तो 10, 11 आई बात समझ में, तो ये हम लोग की चेन हो जाएगी। यहां पे 2 carbon है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
11 कार्बन है तो उसको बोलते हैं अंडक, UNDEC अंडक। ट्रिपल बॉन्ड है, 4 पे है, 7 पे है, तो डैश 4, 7 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो DI। क्या 2 टाइम्स है, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। ठीक है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश रहता है, नंबर नंबर के बीच में कॉमा रहता है, तो 11 होगा तो अंडक, 4, 7 टू टाइम्स है तो डाई आई। ये क्या है हम लोग के पास, मिथाइल है। मिथाइल कहाँ लगता है, प्रीफिक्स में लगता है, तो 3rd कार्बन पे है, 9 कार्बन पे, तो इसको लिखेंगे 3, 9 डैश क्या है, 2 टाइम्स है तो डाई। क्या चीज है 2 टाइम्स, मिथाइल, METHY, तो ये हो जाएगा 3, 9 डाई मिथाइल अंडक, 4, 7 डाई आई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, चलो इसको लिखे रहने देते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग की तरफ है कुछ CH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये CH3CH3CH2COOH। अब काउंटिंग किस तरफ से होगी, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, तो यहाँ पे भी COOH है, यहाँ पे भी COOH है, किसी तरफ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इधर से किया तो पहला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप से चलेंगे और जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 पांच है तो रूट वर्ड हो जाएगा PEND, पेंड। सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा AN। क्या है, COOH, आखिरी में लगेगा ओइक एसिड। ओइक एसिड कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, किस पोजीशन पे, 1, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 5, कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे डाई, और क्या 2 टाइम्स है, COOH यानी कि ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो पेंटेन 1, 5 डाई ओइक एसिड, लेकिन यहाँ पे क्या बाकी, हम लोग के पास थर्ड पोजीशन पे बाकी रह गया मिथाइल, तो इसकी पोजीशन हो गई 3, इसकी पोजीशन हो गई 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 क्या है, 2 टाइम्स डाई मिथाइल, 2 टाइम्स है, METHY है, तो 3, 3 डाई मिथाइल पेंटेन 1, 5 डाई ओइक एसिड। चलिए।